हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री दिखती कैसे है और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैं एक कंपनी हूं, रिलायबल पेन लिमिटेड, और मैंने एक फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। कब खरीदा? 7 मार्च को, और 7,000 रुपीज कैश में खरीदा। तो मैंने फर्नीचर खरीदा और कैश पे किया। चलो इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो देखो, मैंने जब फर्नीचर खरीदा तो यहां पे मेरे पास, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास क्या आया? सर, मेरे पास आया फर्नीचर आया। ओके, और मेरे यहां से क्या गया? सर, मेरे यहां से कैश गया। मतलब मेरे यहां पे फर्नीचर आया और मेरे यहां से कैश गया। कितने का गया? सर, 7,000 का। 7,000 का फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है भैया, मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट है। तो मेरी बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो मेरा एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पर एसेट बढ़ रहा है, आ रहा है। और जब जब एसेट बढ़ता है तो वो होता है डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। ओके, एसेट बढ़ेगा, डेबिट। कैश क्या है? पर कैश भी आपका एसेट है। तो आपको फर्नीचर खरीद रहे हो, कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर डेबिट टू कैश 7,000 रुपये। तो क्या मैं ऐसे सिंपल एंट्री कर लूं? नहीं, एंट्री तो मेरे समझ में आ गई, फर्नीचर डेबिट करूंगा, कैश क्रेडिट करूंगा, पर इसका फॉर्मेट क्या होगा? तो ये होता है फॉर्मेट। पहले आप डेट लिखोगे, कौन सी डेट को आपने ट्रांजैक्शन की? आपने ट्रांजैक्शन की 7 मार्च 2024 को। यहां पे डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। टोटल कितने हेडिंग है? 5 हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे डेट में कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन की, आपने ये जो एंट्री की, फर्नीचर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, आपने इसको ऐसे लिखा और यहाँ पे LF आ गया, और डेबिट के अंदर 7,000 रुपीज़ और क्रेडिट के अंदर 7,000 रुपीज़। तो सर, ये डेट का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है, ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो चलो ये मैंने आपके लिए बना दिया। देखो, डेट का मतलब होता है जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की उस दिन, या फिर जिस दिन आपने एंट्री रिकॉर्ड की वो, या तो एंट्री रिकॉर्ड डेट या ट्रांजैक्शन डेट, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मैंने इस दिन एंट्री रिकॉर्ड की तो ये मेरी डेट हो गई। क्लियर है? एंट्री डेट। दूसरा, कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं? हमेशा ध्यान रखना, डेबिट जो करता हूं वो पहले आता है, क्रेडिट बाद में आता है। डेबिट पहले, क्रेडिट बाद में। तो यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जो मेरा डेबिट होता है वो पहले आता है, तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है। तो यहां पे डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR होता है, DR, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। सर, डेबिट में R तो आता ही नहीं है, ये इटालियन वर्ड था डेबिट्रम, उससे हमने लिया है, तो ये DR चला हुआ आ रहा है बहुत पहले से, इटालियन वर्ड से। तो DR डेबिट। ओके, तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। टू कैश, हमेशा ध्यान रखना, जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो स्टार्ट हमेशा टू से होगा, TO2, और थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। देखो, हमने स्पेस रखी है, हम फर्नीचर के इमीडिएट नीचे टू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्नीचर में थोड़ी सी स्पेस देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे टू। तो यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू राइट क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट स्टार्ट विथ टू, TO2, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डेबिट फर्नीचर, क्रेडिट स्टार्ट विथ टू, थोड़ा सा स्पेस देके हम स्टार्ट करेंगे। और कितने से डेबिट हो रहा है? 7,000 का फर्नीचर लिया। कितने का कैश गया? 7,000 का। डेबिट के अंदर डेबिट का टोटल, क्रेडिट के अंदर क्रेडिट का टोटल। फिर ये किस चीज का नाम है? ये बताता है नरेशन कि क्या मेरी एंट्री हुई है, मेरी बी फर्नीचर परचेज इन कैश। तो मैंने कैश में परचेज किया हुआ है ना फर्नीचर, तो ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन देता है कि एक्चुअली मेरी एंट्री हुई क्या है। तो इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जिसको मैं नरेशन
बोलता हूं, और नॉर्मली नरेशन बीइंग से चालू होता है, BEING, बीइंग फंड परचेज, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग एसेट परचेज, जो भी है यहां पे होता है। तो सर ये किस चिड़िया का नाम है? एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। जहां पे आप लेजर बनाओगे ना, ये जर्नल एंट्री कौन से लेजर के अंदर जा रही है उसका पेज नंबर, फोलियो नंबर यहां बताएगा। क्योंकि आपको आपको पहले जर्नल एंट्री बनती है, फिर लेजर बनता है। तो ये जो जर्नल एंट्री आपने बना दी, उसके बाद ये लेजर के अंदर जाएगा, तो कौन से लेजर में जाएगा? आप इंडेक्स नहीं आते हो कि कौन सा पेज नंबर पे जाएगा, तो यहां पे ये पेज नंबर दिया हुआ होगा कि 73 पेज नंबर पे जाएगा, तो वो लेजर नंबर 74। पर क्वेश्चन में लेजर फोलियो आपको नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको ब्लैंक छोड़ना है, पर ये कॉलम जरूर बनाना है, इसके मार्क्स हैं। तो लेजर फोलियो का मतलब समझ में आया? ये एंट्री कौन सी बुक्स में जा रही है, कौन से पेज में जा रही है, फर्नीचर कौन से पेज में है, वो यहां पे आएगा। तो पांच हेडिंग हो गई, डेट बता दिया, डेट ऑफ एंट्री, ओके, पर्टिकुलर किस दिन पे मैंने ये पर्टिकुलर में क्या डेबिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, क्रेडिट टू पे चालू होता है, थोड़ी स्पेस रखेंगे, डेबिट के अंदर डेबिट, क्रेडिट के अंदर क्रेडिट, और यहां पे लिखेंगे अमाउंट इन रुपए, और ये हो गया आपका जनरल एंट्री फॉर्मेट। अच्छा लगा, लेक्चर लाइक करो ना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपको ऑसम बनाता रहूंगा, बस आपका मुझे प्यार चाहिए, एंड जस्ट सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपका सब्सक्राइब बटन मुझे बड़ा मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियो लाता रहूं, तो बस इतना आप मुझे प्यार दिखा दो। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक care.